आवाजें कैसी आ रही हैं? ये तो स्नान की ज्वेल की आवाज है। बरसों पहले एक साधु ने अपनी तपस्या के फल से उस चुड़ैल को वहाँ पे कैद कर दिया था। अब क्या होगा, हमें कौन बचाएगा? देखो हरिया, तुम गांव के दक्षिण वाले टीले के पास मत जाना। अरे मीना, तुम भी गांव वालों की बात में आ रही हो। मैं किसी से नहीं डरना और मैं इन सब बातों को मानता ही नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी। कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं है? की कहानी सच है या नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। बचाओ बचाओ गांव वालों, अब मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम लोगों से मैं चुन चुन के बदला लूंगी, तो सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मीना, मुझसे गलती हो गई, नागिन चुड़ैल आजाद हो गई, अब क्या होगा? हरिया, तुम फौरन गुरु जी के पास जाओ, उनके पास कोई उपाय अवश्य होगा। आज पूर्णिमा की रात है, आज एक छुपागिन की देह ऊर्जा मुझे ऊर्जा प्रदान करेगी और ताकतवर बनाएगी। तुम्हारी देह ऊर्जा मेरी है। मुझे छोड़ दो। गांव वालों, अब तुम्हारी बारी है। ऐ चूजे, वो तेरा बाप हरिया कहाँ है? सबसे पहला जान मैं उसी की लूंगी। मैं सबसे पहले तेरे बाप हरिया को ही मारूं, फिर तेरा नंबर आएगा। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्रणाम। वत्स, तुम्हारी समस्या का मुझे पता चल चुका है। आज की रात तो पुष्कर योग है, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देना, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तुम मेरा आवाहन करना वत्स, मैं आ जाऊंगा। गांव वालों को नहीं मार सकती। मुझे तेरी ही तलाश थी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल, तू कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि तू एक बुरी शक्ति है, तू कभी नहीं जीत सकती। मंत्र पढ़ना बंद कर और आके मुझसे लड़, तेरा अंत अब निश्चित है। ये मुझे क्या हो रहा, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रही? मेरी सारी शक्तियाँ कहाँ जा रही है? ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस से कैद मत करो, मुझे छोड़ दो। बचाओ, मैं चल रही हूँ, बचाओ। हरिया, चुड़ैल मर चुकी है, अब तुम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगी।